टुडे चांदी कलियां, नाम सुना है? नाम से पता चल रहा है चांदी, चांदी का मतलब सिल्वर, राइट? चांदी कलियां इज अ वेरी पॉपुलर फेमस डिश ऑफ अवधी कुजीन, राइट? अवध, इसमें क्या करते हैं, जनरली हम लैम्प से बनाते हैं, बट इफ यू वांट टू मेक विद अ चिकन यू कैन मेक चिकन आल्सो। मेरे पास ये लैम्प कटा हुआ रखा है, ये हमने करी कट मंगाया है, ठीक है? देयर आर डिफरेंट कट्स ऑफ लैम्प आल्सो, करी कट मंगाया है। अब चांदी कलिया की स्पेशलिटी मैं बताता हूँ, व्हाई वी कॉल इट चांदी कलिया, राइट? पहली बात तो जो इसमें ग्रेवी डलेगी, दैट इज व्हाइट ग्रेवी। अब व्हाइट ग्रेवी में क्या जाएगा, काजू, बादाम, अनियन, गार्लिक, इसका हम पेस्ट निकाल के अलग रख लेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया है, जिसमें काजू, बादाम और गार्लिक एंड वी हैव एडेड ग्रीन चिलीज ऑल्सो, नॉट रेड चिली। Why? Because to avoid the color. Okay, और white pepper हम use करेंगे। Last में जब ये cook हो जाएगा, then we add silver leaf also, जिसको हम चांदी पलक बोलते हैं। Okay? इसका method very बहुत simple है। इसमें हम सबसे पहले इस मटन को marinate करेंगे। Generally recipe देखेंगे आप, तो उसमें वो मटन marinate नहीं किया है, authentic recipe में। लेकिन I'll marinate it with salt and pepper, और थोड़ा सा तेल डालेंगे। कोई सा भी तेल डाल सकते हैं आप। सॉल्ट डाला मैंने, इसमें थोड़ा व्हाइट पेपर यूज किया है, ग्रीन चिली डाल सकते हैं, थोड़ा सा दही डालेंगे इसमें, मैं हमेशा आप किसी भी चीज को मैरिनेट करेंगे ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे क्या होगा, उस मीट के अंदर जो है थोड़ा सॉल्ट और पेपर चला जाएगा ना, इट्स गुड। आई एम अवॉइडिंग रेड चिली, डोंट यूज रेड चिली। थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं, वैसे तो होल गरम मसाले भी डाल सकते हैं। मेन जो यूज है वो कार्डमम का है, ग्रीन कार्डमम का, तो ग्रीन कार्डमम जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब डालेंगे, ठीक है? इसके बाद वी विल कीप इट फॉर 10 मिनट और उसको हम इसमें डालेंगे, कुकर में कुक कर लेंगे। देखिए, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू कुक इन कुकर फर्स्ट, मैं आपको क्लियर कर दूं, हम ये मटन डायरेक्ट हांडी में भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं मटन को पहले कुकर में इसलिए कुक करूँ सो दैट मटन अच्छी तरीके से कुक हो जाए। इट ऑल डिपेंड ऑन मटन क्वालिटी ऑल्सो, बहुत सारा ऐसा मटन आता है जो कि कुक ही नहीं होता है। ऑलवेज गो फॉर टेंडर मीट, टेंडर मटन, फ्रेश मटन, राइट? ऐसे बोलते हैं किचन में जो शेफ लोग बताते हैं कि अगर बुड्ढे का मीट है, मतलब बुड्ढे मटन का है, तो इट्स वेरी टफ टू यू नो, उसको पकाना बहुत टफ पड़ जाता है, इसलिए हम उसमें हम रॉ पपाया बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, राइट? अवधी कुजीन का जो मेन आप कह सकते हैं ग्रेवीज का जो मेन बेस है वो योगर्ट है, राइट? तो ये ग्रेवी भी योगर्ट बेस्ड होगी, पर इसमें काजू पेस्ट, जिसको हम चांदी पेस्ट बोलते हैं, वो डाला जाएगा। चांदी पेस्ट क्लियर है, इसमें काजू, ग्रीन चिली, ऑनियन और गार्लिक एंड आलमंड, राइट? अब हम इसको कुकर में डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डाल के दे दीजिए। यस शेफ। तो इसका पानी जो है हमारा यखनी का काम करेगा, यानी मटन स्टॉक का। अब हम इसको अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे, राइट? इसके बाद विल शो यू हाउ टू मेक, राइट? मॉर्निंग शेफ। ओके, सो आपका मटन कुक हो गया है, राइट? अब उसका क्या बनेगा, मेन मसाला। हम क्या बना रहे हैं, कौन सी प्रिपरेशन है? चांदी कलियां, राइट? चांदी।
चांदी कलर के लिए मैंने पहले भी बताया था, एक चांदी पेस्ट बनाते हैं। चांदी पेस्ट इन द सेंस आलमंड, कैश्यू नट, ग्रीन चिली, अनियन और गार्लिक का पेस्ट रेडी है हमारे पास, जिसको हम क्या कह रहे हैं, चांदी कलियां पेस्ट। कलियां तो आपकी डिश है। हमने इसमें ऑयल डाल लिया पहले, राइट? यस सर। उसके बाद हम कार्डमम डालेंगे इसमें, ग्रीन कार्डमम, राइट? इसको थोड़ा वेट करते हैं क्रैकल होने का। ठीक है, अब क्या है, कार्डमम होने लगी। अब हम इसमें क्या डालेंगे, हमारा जो चांदी पेस्ट है, राइट? मेक श्योर कि आप थोड़ा डालते समय थोड़ा दूर रहे इससे, बिल्कुल चांदी इसलिए बोला जाता है बिकॉज द कलर लुक्स सिल्वर, राइट? तो इसमें मेन रोल जो है वो चांदी पेस्ट का है, क्योंकि ये काजू है और आलमंड है, तो कीप ऑन स्टारिंग सबसे ज़्यादा और जल्दी चिपकने का डर रहता है इसका। इसको थोड़ा इसमें एक उबाल देते हैं ना, रेड चिली पाउडर जाएगा, सिर्फ ग्रीन चिली पेस्ट डाला था मैंने, और वाइट पेपर यू कैन यूज इफ यू थिंक रिक्वायर, राइट? हम क्या डालेंगे इसमें, इसमें मैंने अभी क्या डाला था, दही, राइट? दही को पूरा फेंट के डालें, अदरवाइज क्या होगा, इसमें हल्के हल्के लम्स पड़ने के चांस रहेंगे। इसमें क्रीम भी जाएगी, लेकिन वो क्रीम हम सबसे लास्ट में डालेंगे जब आपकी सारी कुकिंग हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इसमें स्पाइसेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रीन चिली पेस्ट है, वाइट पेपर है, और बाकी योगर्ट है और चांदी पेस्ट है। ये हमारा मटन है। नाउ आई लाइक दिस मटन। मटन को निकाल के इसमें भी कुक करेंगे थोड़ा, क्योंकि हमने इसको पूरा कुक नहीं किया है। देखिए जो मटन स्टॉक है, दैट विल हेल्प इन एनहांसिंग द फ्लेवर, राइट? और इसकी ग्रेवी ज्यादा थिक नहीं होती है, राइट? अब हम इसको इसमें कुक करेंगे। So we'll keep it for 10 to 15 minutes. Slow heat पर इसको कुक करते रहेंगे। लास्ट में हम इसको कार्डमम पाउडर से और क्रीम से फिनिश करेंगे। एंड जब सर्व करेंगे देन यू विल ऐड योर सिल्वर लीफ ऑल्सो। विल सो ही विल कम बैक आफ्टर 10 मिनट्स। इसको छोड़ देते हैं हल्की आंच पर कुक होने। यस सर। ये हमारा कुक होते हुए सॉल्वेंट, दिस इज डन, राइट? यू कैन टेस्ट इट। मैंने आपको पहले बताया था हम इसको फिनिश करेंगे किससे, क्रीम से। क्रीम डालने के बाद हम इसको नहीं बॉयल करेंगे। और ये हमने एडेड क्रीम, नो वाटर प्लीज। ओके, हमने इसमें क्रीम डाल दी। अब देख रहे कलर और बिल्कुल चांदी जैसा हो गया है। और लास्ट फिनिश करेंगे इसको हम कार्डमम, ग्रीन कार्डमम पाउडर से। ये हमने इसमें ग्रीन पाउडर, ग्रीन कार्डमम, इलायची का, क्योंकि इट्स ऑफ दी स्टाइल। देखिए आपकी ग्रेवी ज़्यादा थिक नहीं होती है, इतनी पतली रहती है, राइट? और हम इसको नाउ वी कैन सर्व इट। राइस के साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब इसके ऊपर हम हल्का सा चांदी। सो दिस इज परफेक्टली डन। थोड़ा सा चाहे तो आप इसके ऊपर गार्निश के रूप में इलायची का दाना ऑर्डर डाल सकते। सो दिस इज डन, दिस इज चांदी कलियां, राइट? लुक्स लाइक सिल्वर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट चांदी कलियां। वेरी पॉपुलर फ्रॉम अवधी कुजीन। यू कैन एंजॉय इट विद राइस, or you can have it like that only.
with it like a kind of soup, right? Any doubt? No, chef. Thank you. Thank you, chef.